प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। लास्ट टाइम हम लोगों ने मुख्तलिफ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिससे वाटर की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। क्वालिटी के अंदर हमने तीन किस्म के फैक्टर्स देखे थे। वी टॉक्ड अबाउट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या DO हम जिसको बोलते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हमने देखा था, इसके हम यूनिट्स पार्ट्स पर मिलियन में हम लोग कंसिडर करते हैं या मिलीग्राम्स पर लीटर के अंदर। इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटीज़ हैं ये रेंज करती हैं बिटवीन 4 and 8 पार्ट्स पर मिलियन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बेसिकली डिटरमिन करता है कि जो फिश और मुख्तलिफ एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं उनके लिए कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है वाटर के अंदर। सेकेंडली हमने बात की थी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। BOD के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो कितना ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करके यूज़ करेंगे फॉर देयर ओन एनर्जी। साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी प्रोड्यूस होगा। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ये रिएक्शन करवा रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, तो ये हम लोग 5 दिनों के अंदर चेक करते हैं इन 5 डेज एट अ फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर अराउंड 20 to 25 degrees Celsius। इस टेम्परेचर के ऊपर हम आइडियल कंडीशंस के अंदर रखते हुए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चेक करते हैं। एंड देन द थर्ड वन वॉज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या COD। COD एक तरह से ओवरऑल बता रहा होता है जो वाटर के अंदर डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल, वो दोनों जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ओवरऑल किस तरीके से ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही होती है, ये ओवरऑल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ठीक है, और इसमें हम एक्सटर्नली कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मली ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल डाइक्रोमेट्स या परमैंगनेटाइन्स हम खुद ऐड करते हैं टू सी के ओवरऑल किस हद तक ऑक्सीडेशन हो रही है। आज हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में। आपके पास जब रॉ वाटर है उस रॉ वाटर को आप कुछ पर्पस के लिए तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आप रॉ वाटर को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। बट अगर आपने पानी को पीना है, आप अगर ड्रिंकिंग की बात कर रहे हो या हाउस होल्ड यूज़ के लिए आपने यूज़ करना है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, तो उसके लिए पानी को आपको पहले प्योरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ड्रिंकिंग के लिए हम नॉर्मली एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर ऐसा पानी है जिसको पिया जा सकता है। ठीक है, इट्स अ ड्रिंकेबल वाटर। सो पानी को पोर्टेबल बनाने के लिए देर आर सेवरल प्रोसेसेस जिससे पानी को गुजारा जाता है। ठीक है, और हम इस पूरे को कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट साइकिल। एक पूरा साइकिल है जिससे पानी को गुजारा जाता है जिससे वो प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, प्योरिफिकेशन क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि एक्चुअली जो ग्राउंड से पानी आ रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, और दूसरा एक सरफेस वाटर होता है, मसलन जो लेक्स वगैरह के अंदर से आप ऊपर से निकाल लेते हो, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दो किस्म के पानी हैं जो लिए जा सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर जो होता है, चूँकि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, इसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, कुछ और सल्फर के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डिसॉल्व हुए हुए होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, हमने ग्राउंड वाटर में से ये रिमूव करने होते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो सर्फेस वाटर है उसके अपने मसाइल हैं। सर्फेस वाटर के अंदर भी कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, एंड टेक्निकली सर्फेस वाटर इज मोर इम्प्योर देन द ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर थोड़ा सा प्योरीफाइड फॉर्म में होता है। सर्फेस वाटर में चूंकि आपके जो एयर के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी पानी के अंदर डिजॉल्व होती रहती है मुख्तलिफ गैसेस, तो उसकी वजह से सर्फेस वाटर इज नॉर्मली मोर पोल्यूटेड। अच्छा, आज हम दो किस्म के प्रोसेसेस डिस्कस करने लगे हैं। ओवरऑल जो वाटर ट्रीटमेंट साइकिल है उसमें तीन प्रोसेसेस होते हैं। इनिशियली हम लोग करते हैं एयरेशन, फिर उसके बाद हम करते हैं कोएगुलेशन, एंड देन फाइनली क्लोरीनेशन।
ठीक है, ओवरऑल इन तीनों को करना जरूरी होता है अगर आप चाहते हो कि वाटर बिल्कुल प्योरीफाई हो जाए. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरेशन एंड कोएगुलेशन. सो लेट्स टॉक अबाउट देम सेपरेटली. नाउ एरेशन, जैसे कि आपके वर्ड से पता चल रहा है, टू पास एयर थ्रू अ सोल्यूशन इज कॉल्ड एरेशन. अब एरेशन से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जार लिया या एक्वेरियम आपके पास एक पड़ा है. आपने ऑफन देखा होगा एक्वेरियम्स के अंदर नीचे एक वो लगा हुआ होता है, पंप लगा होता है, और वो पंप क्या कर रहा होता है, वो एयर को ऊपर फेंक रहा होता है. ये आपके पास एक एक्वेरियम है, ठीक है, इसके अंदर सारा वाटर है, ये वाटर हो गया सारा. अब इधर नीचे करके एक पंप लगा हुआ होता है जो यहां से ऑक्सीजन ऊपर फेंक रहा होता है या एयर ऊपर पंप कर रहा होता है. इस एयर को ऊपर फेंकने का क्या मकसद होता है, ये बेसिकली एरेशन के टॉपिक के अंडर आता है. एरेशन के दो तीन फायदे होते हैं. एक तो ये कि पानी के अंदर कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं काफी दफा रिपीट कर चुका हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, ठीक है, इट्स वेरी फाउल स्मेलिंग. फाउल स्मेलिंग यानी बहुत ही इसकी गंदी स्मेल होती है. अक्सर जो वॉशरूम वगैरह से स्मेल आ रही होती है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड की वो स्मेल होती है. इसके अलावा और कुछ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनकी भी बहुत घटिया स्मेल होती है. ये चीज़ें पानी के अंदर डिजॉल्व होती हैं. तो पानी की जो ओवरऑल स्मेल है उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप उसके अंदर से ना एयर पास ऑन कराओ. तो एयर क्या है, एयर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, प्राइमरीली नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन टू. तो एक तरह से कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कुछ और गैसेस, वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो ऑक्सीडाइज होने के बाद फिर वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर पाती हैं. इफ इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो पीछे सिर्फ सल्फर बच जाएगा, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो फिर रिलीज हो जाएगी. इसकी अगर ऑक्सीडेशन आप कराओ तो यू गेट सल्फर, ठीक है, और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा. सो बेसिकली ये जब आप एयर पास ऑन कराते हो ना, तो कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. पहला जो बहुत मेजर फायदा है वो ये है, वाटर के अंदर डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन्स भी डिजॉल्व होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन जो है वो मेजर उनका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जब उनको आप ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट लाजमी बनता है, एंड सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ठीक है, एंड इट्स लाइटर देन वाटर, तो ये ऊपर फिर निकल जाती है पानी के अंदर से बाहर. तो आपके पास अगेन प्योरीफाइड फॉर्म है. हाइड्रोकार्बन भी आपने ख़त्म कर दिए और जो आपके पास फाउल स्मेलिंग गैसेज थी और सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड हम इनको बोलते हैं, ये भी आपने रिमूव करा दिए पानी के अंदर से, सिर्फ उसके अंदर से एयर पास ऑन करा के. एक और थर्ड जो बेनिफिट है वो ये है कि पानी के अंदर अक्सर फेरस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है. अब फेरस कंपाउंड्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है. जब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो बेसिकली फेरस जब फेरिक में चेंज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. अब जो फेरिक है, जब फेरिक का करिस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनता है तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है. जो फेरस कंपाउंड्स होते हैं ये नॉर्मली पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो फेरिक कंपाउंड्स होते हैं ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, जाके नीचे बैठ जाते हैं. तो एक तरह से आप इनको भी रिमूव कर सकते हो. सो ओवरऑल अभी तक आपको तीन किस्म के बेनिफिट्स मैंने बताए हैं, आई विल रिपीट देम हियर. एक तो ये कि फाउल स्मेलिंग गैसेस जो होती हैं, फाउल स्मेलिंग गैसेस एंड ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, इनको आप रिमूव कर सकते हो. किस तरीके से, इनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है. सेकेंडली आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ये आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं. एंड थर्डली मैंने भी आपको ये बताया है कि कुछ फेरस कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, दे चेंज इनटू फेरिक, एंड फेरिक ये होता है कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है. एक जो सबसे काम का है इस पूरे प्रोसेस का फायदा, वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था. इसको हम लिखते हैं जनाब ब्लू कलर से. जब आप पानी के अंदर ऑक्सीजन पास करा रहे हो तो डेफिनेटली पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है
वो इंक्रीज कर जाएगा. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था और आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ एनिमल जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है. और इसका लेवल जितना इन्हेंस्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा पानी की क्वालिटी बेहतर होती है. तो आप एक तरह से ये कर रहे हो कि आप जब एरेशन कर रहे हो तो पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है. पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी किसी और हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. लेकिन आपने जब उसके अंदर एरेशन की, बिकॉज ऑफ एरेशन वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होने लग गया एक दफ़ा फिर से. सो ये आपके मेजर फवायद हैं एरेशन प्रोसेस के, ठीक है. आई होप ये आपको अब याद रहेंगे. जो नेक्स्ट प्रोसेस था मैंने आपको बताया था एरेशन के बाद की जाती है कोएगुलेशन, और ये भी हम आज ही के लेक्चर के अंदर देखेंगे. कोएगुलेशन के ऊपर अब हम आ जाते हैं. कोएगुलेशन, कोएगुलेशन जो प्रोसेस है इट हैज बीन इट मींस एक्चुअली प्रेसिपिटेशन, ठीक है. प्रेसिपिटेट्स का बन जाना कोएगुलेशन कहलाता है. अब कोएगुलेशन क्यों जरूरी होती है, जब आप रॉ फॉर्म में वाटर लेते हो ना पानी के अंदर कुछ बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है. कभी आप वैसे भी पानी को देखो ना ग्लास के अंदर तो आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे. इवन अगर आप कोई भी गंदा पानी कहीं से भी ले लो उसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीच में पार्टिकल्स मिक्स हुए हुए नजर आएंगे, ठीक है. अब देखो पानी जो है ये लिक्विड फेज के अंदर है और जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड फेज में है, ठीक है. तो इस तरह के सोल्यूशन को नॉर्मली कहा जाता है कोलॉइडल सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन. सो ये आपके पास एक कोलॉइडल सोल्यूशन है जिसके अंदर कुछ ये जो डॉट्स मैंने बनाए हैं ये आपके पास इम्प्योरिटीज हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंड हुए हुए हैं पानी के अंदर, ठीक है. तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनको रिमूव करने के प्रोसेस को बोला जाता है कोएगुलेशन. और ये किस तरीके से की जाती है, ये इस तरीके से की जाती है कि आप बाहर से कोई थर्ड कंपाउंड डालते हो जिसको बोलते हैं कोएगुलेंट, कोएगुलेंट, ठीक है. कोएगुलेंट किस किस्म का कंपाउंड होता है, कोएगुलेंट दो किस्म के नॉर्मली कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, या इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम पोटैश एलम बोलते हैं, पोटैश एलम या एलम स्टोन भी इसको हम बोलते हैं. इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.24H2O. तो ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं पोटैश एलम, हम इसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ फेरिक सॉल्ट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेरिक सल्फेट यूज कर सकते हो विच इज Fe2SO4 होल थ्राइस. ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो एज अ कोएगुलेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है. अच्छा अभी तक मैंने आपको एक काम बताया नहीं, ये होता क्या है एक्चुअली. कोएगुलेंट जब आप पानी के अंदर डिजोल्व करते हो तो कोएगुलेंट क्या करता है, कुछ कंपाउंड्स बनाता है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इस तरह का कोई और कंपाउंड बना देगा. अब इस कंपाउंड की एक खसूसियत है, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड अ जिलेटिनस कंपाउंड. जिलेटिनस इसकी नेचर होती है. जिलेटिनस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो जेली लाइक होते हैं. अगर आपके पास कोई जेली हो और आप उसको मिट्टी में फेंक दो तो क्या होगा, उस जेली के गिर्द सारे जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे उसके ऊपर, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जेली की नेचर ऐसी होती है. तो ये जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट इज जिलेटिनस इन नेचर. तो इसको जब आप ये जब फॉर्म होता है ना पानी के अंदर तो ये जितने पार्टिकल्स थे ये सारे एक तरह से डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर. सो ये लेट सपोज ये जो गोल गोल मैं डार्क ब्लू बना रहा हूँ दीज आर 3 और 4 जिलेटिनस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो इसके ऊपर ये जो बाकी सारे थे ना, लेट मी ड्रॉ देम इन डार्क ब्राउन, ये सारे ना इनके करीब आना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे जिसको जो भी करीब पड़ रहा है. फाइनली आपके पास होगा ये कि ये सारे पार्टिकल्स जो हैं
ये आपके पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, पहले आपके पास जो सॉल्यूशन था उसमें बहुत सारे बीच में पार्टिकल्स थे ना, अब इस दफा ये होगा कि एक ही आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जिसके इर्द गिर्द ढेर सारे पार्टिकल्स ने उसको घेर लिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास एक प्रेसिपिटेट बन गया है जो कि हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल आपने क्या किया कि आपने प्रेसिपिटेशन कर दिया, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन मैंने लिख दिया, प्रेसिपिटेशन, सॉरी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन कहते हैं प्रेसिपिटेट्स का बनना, और प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं दे आर हैवी पार्टिकल्स जो कि डिजोल्व नहीं हो सकते, दे आर इनसॉल्यूबल, और ये क्या करते हैं, ये नीचे आके सरफेस के ऊपर, सरफेस पे कह रहा हूं, नीचे बिल्कुल जो लेवल है यहां पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको डेफिनेटली बाद में फिर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने क्या किया, हमने एरेशन की, एरेशन से ये हुआ कि आपके पास कुछ गैसेस जो उसके अंदर डिजोल्व हुई हुई थी वो आपने रिमूव कर दी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन थे आपने वो रिमूव कर दिए, ठीक है। इसके अलावा आपने फेरस टू फेरिक कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी हद तक प्रेसिपिटेशन भी हो जाए, ठीक है, और आपने साथ ये किया कि डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो एनहेंस कर दिया पानी का। उसके बाद आपने कोएगुलेशन की जिससे ये हुआ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स जो पानी के अंदर सस्पेंड हुए हुए थे वो आपने रिमूव करा दिए, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे बैठ के, और फिर आप ऊपर से साफ पानी को अलग कर सकते हो। आज के लेक्चर को अभी मैंने कोशिश की है कि मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिख दूं, जो कोएगुलेशन का रिएक्शन है लाइक के ये अभी आपको आता हो, K2SO4.Al2SO4.24H2O, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये फॉर्मूला है किस चीज का, पोटेश एलम का, और पोटेश एलम अगर आप अल्कलीन सॉल्यूशन के अंदर डालो, अल्कलीन सॉल्यूशन जिसका पीएच जो होता है वो बिटवीन 7 और 14 होता है, इट इज एन अल्कलीन सॉल्यूशन। सो जब आप किसी अल्कलीन सॉल्यूशन में डाल रहे हो, यानी आप कोई हाइड्रोक्साइड वगैरह उसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे जरूरी नहीं है ये कैल्शियम का आप लो या आप मैग्नीशियम का ले सकते हो या आप किसी भी चीज़ का हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आपके पास एक प्रोडक्ट हमेशा बनेगा पोटेशियम सल्फेट, एक हमेशा बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, आपके पास वाटर एलिमिनेट होगा, ठीक है, 24 मॉलिक्यूल्स चूंकि उधर लगे हुए थे 24 ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और साथ आपके पास चूंकि यहाँ पे कैल्शियम था तो एक कैल्शियम का सल्फेट भी बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, या अगर मैग्नीशियम आपने यूज़ किया होता तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता, ठीक है। तो कोई ये मुश्किल रिएक्शन नहीं है, ये चीज़ आपने अलग लिख देनी है एक दफ़ा, ठीक है, आपने एल्यूमिनियम का एक हाइड्रोक्साइड बना देना है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और जो चीज़ आपने यहाँ से ली थी वो यहाँ पे आके इसके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसमें ये जो आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ था दिस इज एक्चुअली जेलेटिनस, और ये फिर प्रेसिपिटेशन में हेल्प करेगी। लेट मी सी, ओके, आई थॉट मैंने उसका फॉर्मूला गलत लिख दिया था। जो कोएगुलेशन का प्रोसेस है, कोएगुलेशन, इससे आप ऑलमोस्ट 80% तक जो डिजॉल्व उसके अंदर पार्टिकल्स है ना वो रिमूव कर सकते हो, बाकी जो 20% है वो क्यों नहीं रिमूव होते उसकी आपको रीजन बताता हूँ। अब पानी की एक्चुअली फॉर्म्स होती हैं, आपने पढ़ा हुआ है अपने मैट्रिक के अंदर, हार्ड वाटर होता है एंड सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर के अंदर आपने पढ़ा था कि कुछ सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के, ठीक है, पानी के अंदर डिजोल्व हुए हुए होते हैं। अगर आप इनको किसी तरीके से जिसमें कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट एंड मैग्नीशियम बाइसल्फेट एंड कार्बोनेट्स थे, आप अगर इनको किसी तरीके से रिमूव कर दो तो पानी आपका सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। तो जो बाकी 20% पार्टिकल्स हैं ना, ये वो पार्टिकल्स हैं जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए आपको वो वाले प्रोसेसेस करने पड़ेंगे जिससे आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर चेंज किया करते थे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि क्लोरीनेशन फर्दर किस तरीके से प्योरीफाई करने में हेल्प करती है और पानी पोर्टेबल हो जाता है फाइनली आफ्टर दिस कंप्लीट साइकिल।